हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सभी की फेवरेट चटपटी पानी पूरी की रेसिपी। और स्पेशली पूरियों को हम दो तरीके से बनाएंगे, एक रोटी मेकर में और दूसरा बेल के। आप इस क्रंची साउंड से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है। तो चलिए फटाफट से आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक बड़े बाउल में 2 कप जितनी सूजी लेंगे। हमें बारीक वाली सूजी लेनी है। आप चाहे तो इसमें 2 कप सूजी के हिसाब से 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा या फिर मैदा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद 1/4 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। हमें नमक थोड़ा सा ही ऐड करना है। अगर ज़्यादा नमक ऐड करेंगे तो पूरियाँ धीरे धीरे नरम पड़ जाती है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हमें सोडा या ऑयल कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके गर्म पानी ऐड करेंगे। हमें इसका डो ना ज़्यादा सॉफ्ट बनाना है ना ही ज़्यादा हार्ड बनाना है। हमें इसका मीडियम टाइप का डो लगाना है, जैसा हम रोटी के लिए लगाते हैं। इसे 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें डो को हथेलियों के पीछे के हिस्से से इस तरह से गूंद लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका इस तरह से मीडियम टाइप का डो रखा है। इसके बाद हम डो को गीले कपड़े से ढककर कम से कम 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, जिससे सूजी अच्छी तरह से फूलकर सेट हो जाएगी। जब तक हमारा डो सेट हो रहा है, तब तक हम पानी पूरी का पानी रेडी करते हैं। सबसे पहले हम खजूर इमली का पानी रेडी करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 8 से 10 नंग खजूर, 4 से 5 टुकड़े इमली के और 2-3 टुकड़े गुड़ के। इसके बाद हम इन तीनों चीज़ों को प्रेशर कुकर में ले लेंगे और इसमें 1 ग्लास जितना पानी डालेंगे और इसे 1 सीटी आने तक पकाएंगे। या फिर आप खजूर इमली और गुड़ को एक बाउल में लेके उसमें 1 ग्लास जितना गर्म पानी डालें और इसे आधे घंटे के लिए रहने दें। फिर हाथों से अच्छी तरह से मैश करके छान लें। मैंने यहाँ पे पहले से ही खजूर इमली का पानी रेडी रखा है। इसके बाद हम पुदीना और धनिया का पेस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम ग्राइंडिंग जार में 1 कप कटा हुआ धनिया, 1/2 कप पुदीना और 2 हरी मिर्च डालेंगे और 1 छोटी चम्मच जितना पानी डालेंगे। इसे ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना देंगे और इस पेस्ट को हम 2 जगह पे यूज़ करेंगे। हमारी पेस्ट रेडी है। आप इसे तुरंत ही यूज़ करें, वरना फुदीना धीरे धीरे काला पड़ना शुरू हो जाता है। अब हम पानी पूरी का पानी रेडी करेंगे। इसके लिए हम एक बड़े बाउल में इमली खजूर का पानी डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच फुदीना धनिया का पेस्ट और 2 ग्लास जितना पानी डालेंगे। इसके बाद 1 चम्मच रेडीमेड पानी पूरी मसाला डालेंगे। आप इसके जगह चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 चम्मच रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच नमक। नमक आप पहले कम ही डालें, क्योंकि पानी पूरी के रेडीमेड मसाले में थोड़ा सा नमक पहले से ही होता है। फिर 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे, इसे मिला लेंगे। इसके बाद इसमें 4 से 5 आइस क्यूब्स ऐड करेंगे, क्योंकि पानी पूरी के चटपटे पानी का असली मज़ा जब पानी ठंडा ठंडा हो तभी आता है। हमारा पानी पूरी का पानी रेडी है। लास्ट में हम नमकीन बूंदी डालेंगे। इसके बाद हम आलू मसाला रेडी करते हैं। इसके लिए हम 3 से 4 उबले हुए आलू लेंगे, उसे हाथों से मैश करेंगे। इसे हमें एकदम मैश नहीं करना है, इसके हमें कुछ कुछ टुकड़े रखने हैं। हमारे आलू मैश हो गए हैं। मैंने आलू में उबालते वक्त ही नमक ऐड कर दिया था, आप उस हिसाब से नमक ऐड करें। इसके बाद 1/2 चम्मच पुदीना धनिया का पेस्ट डालेंगे, इसे आप ज़रूर डालें, इससे आलू मसाला का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। फिर 1/2 चम्मच पानी पूरी मसाला, ये ऑप्शनल है, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 बाउल जितने उबले हुए चने, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ी सी कटी हुई प्याज। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप इसमें सूखी पापड़ी भी ऐड कर सकते हैं।
तो लीजिए, हमारा बेसिक चटपटा आलू का मसाला रेडी है। अब चलते हैं पूरियां बनाने की प्रोसेस में। डो को चेक करते हैं। सूजी हमारी अच्छी तरह से सेट हो गई है। डो को हम एक और बार गूंद लेंगे। इसके बाद हम डो में से लुइया बनाएंगे। लुइया बनाने के लिए हम डो में से इस तरह का सिलेंडर शेप बनाएंगे, फिर उसमें से छोटे छोटे लुइया निकालेंगे। फिर लुई को हथेली में लेके इस तरह से प्रेस करके राउंड बना देंगे। इस तरह से सारी लुइयों को रेडी कर देंगे। हमारी सारी लुइया अब रेडी है। सबसे पहले हम रोटी मेकर में पूड़ियाँ बनाएंगे। मैंने पहले से ही रोटी मेकर और ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। हम लुई को रोटी मेकर में इस तरह से रखेंगे और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। आप चाहे तो इसमें दो लुइया भी रख सकते हैं। पूड़ियाँ आप ध्यान से उठाएं क्योंकि रोटी मेकर की प्लेट गर्म होती है। रोटी मेकर में पूड़ियाँ बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि रोटी मेकर में बनी पूड़ियाँ अच्छी तरह से फूल जाती हैं, साथ ही में ये क्रिस्पी भी बनती है, इसलिए हम कम समय में ज़्यादा पूड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। जब पूड़ियाँ इस तरह से ज़्यादा पकने लगे तब हमें रोटी मेकर को ऑफ कर देना है, और जब रोटी मेकर ठंडा होने लगे तब हमें इसे फिर से ऑन करना है। मैंने 15 से 20 जितनी पूड़ियाँ रेडी कर दी हैं। इसे हमें रेस्ट नहीं देना है, इसे हमें तुरंत ही गरम तेल में फ्राई कर देना है। ऑयल गरम हो गया है, गैस की फ्लेम को मैंने हाई ही रखा है। फिर उसमें हम एक एक पूड़िया इस तरह से प्रेस करते हुए डालेंगे। जब आप पहली बार तेल में पूड़िया डालें तो थोड़ी कम ही डालें, फिर आप ज़्यादा डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारी सारी पूड़िया अच्छी तरह से फूल रही है। जब पूड़िया फूल जाए तब हमें गैस की फ्लेम को मीडियम कर देनी है और इसे कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करना है। इसे इस तरह से चलाते रहना है। जब पूड़ियों का हल्का कलर चेंज हो जाए तब इसे हमें निकाल देना है। आप देख सकते हैं पूड़ियाँ कितनी क्रिस्पी बनी है और इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। इसके बाद हम इसे एब्जॉर्बेंट पेपर पे निकाल देंगे। उसी तरह से हम दूसरी पूड़ियाँ भी फ्राई कर देंगे। इस बार आप इसमें पहले से ज़्यादा पूड़ियाँ डाल सकते हैं। हमें गैस की फ्लेम को हाई ही रखना है। यही सीक्रेट होता है बाजार जैसी फुली फुली और क्रिस्पी पानी पूरी का। आप देख सकते हैं इस बार भी हमारी सारी पूड़ियाँ अच्छी तरह से फूल गई है। इसके बाद हमें गैस की फ्लेम को मीडियम करके कुछ सेकेंड के लिए फ्राई करके इसे निकाल देना है। अगर आपके पास रोटी मेकर ना हो तो आप बेल के भी सारी पूड़ियाँ रेडी कर सकते हैं। इसके लिए हमें हल्का सा ऑयल लगा के पूड़ी को बेल देना है। बेलते हुए आपको इस बात का ध्यान देना है पूड़ियाँ को ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अगर ज़्यादा पतला बेल देंगे तो पूड़ियाँ अच्छी तरह से फूल नहीं पाएगी, और बहुत मोटा भी नहीं बेलना है, इसे हमें मीडियम साइज़ का बेलना है। अगर आपके पास रोटी मेकर ना हो और आप सारी पूड़ियाँ बेल के ही रेडी करने वाले हो तो आप डो लगाते वक्त उसमें एक चम्मच गेहूं का आटा ज़रूर मिलाएं। इससे अच्छा बाइंड मिलता है जिससे आप पूड़ियाँ अच्छी तरह से बेल पाओगे। मैंने सारी पूड़ियाँ बेल के रेडी कर दी है। इसे हम अब फ्राई करेंगे। इसे आप एक एक करके गर्म तेल में डालें। आप देख सकते हैं दो पूड़ियाँ मैंने पतली बेल दी थी, वो अच्छी तरह से फूल नहीं पाई है और बाकी की अच्छी तरह से फूल गई है। इसे फ्राई करके हम निकाल देंगे। हमारी पूड़ियाँ, आलू का मसाला और पानी भी रेडी है, तो देर किस बात की, फटाफट से इस चटपटी पानी पूरी को टेस्ट करते हैं। पूड़ी लेंगे, ये देखिए एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनी है। इसमें आलू का मसाला डाल देती हूँ। इसे हम पानी में डुबाएंगे। ये चटपटी पानी पूरी खाने के लिए रेडी है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने पानी पूरी लवर्स दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।